खूबसूरत लम्हे कितनी तेजी से गुजर जाते हैं ना। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो अच्छे पल होते हैं वो कितनी तेजी से गुजर जाते हैं, और जो बुरा वक्त होता है वो भले ही दो पल का हो मगर ऐसा लगता है जैसे थम ही गया वो वक्त। खूबसूरत लम्हों को हम खुल के जी भी नहीं पाते और वक्त हमसे छीन लेता है उन्हें। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ बैठे हों जो आपको बहुत प्यारा, और वो आपके सामने बस थोड़ी ही देर के लिए, फिर शायद वो आपसे भले कुछ दिनों के लिए ही सही पर दूर हो जाएगा, और आप ये बैठे बैठे सोचे जा रहे हो कि ये वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि ये लम्हा यहीं रुक जाए और मैं जी भर के जी लूं इस लम्हे को, और इस कश्मकश में आप ना ही खुल के इंजॉय कर पा रहे उनके साथ और उनकी मौजूदगी को खुल के जीने की बजाय उनसे बिछड़ने के बारे में सोच सोच के परेशान होते चले जा रहे। पर शायद यही हम नहीं समझ पाते कि किसी से मिलने की जितनी खुशी होगी उससे ज्यादा गम उसे बिछड़ने का होगा। अगर हम सिर्फ गम के बारे में ही सोचेंगे तो फिर कभी ही खुश रह ही नहीं पाएंगे। जिंदगी में ये उदासियां और खुशियां साथ ही चलती, कोई पल उदासी का होगा तो कोई पल खुशियों भरा। हम सारा वक्त अगर दुखी ही रहेंगे तो किसी पल को खुल के जी ही नहीं पाएंगे, ना अच्छी यादें बना पाएंगे ना खूबसूरत किस्से। इसीलिए जो है आज है अभी है, आने वाले कल की चिंता में अपने आज को अपने अभी को मत साया होने दो, और इसी तरह से आप खुश रहना भी सीख जाओगे, क्योंकि दुखी हम हमेशा नेगेटिव सोच के ही होते हैं। जिस दिन हमने अपनी सोच को नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव बना लिया, उसी दिन से आप देखना सबसे बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में यही आएगा कि आप खुश रहना सीख जाओगे, ना एंग्जाइटी होगी और ना ही ओवर थिंकिंग, दिमाग की सारी उलझे तार सुलझ जाएंगे।